लाइफ का पहला लैपटॉप या फिर एक न्यू लैपटॉप को परचेज करने के लिए मार्केट में जा रहे हैं, तो सेल्समैन और उसके साथ साथ आपका खुद का दिमाग ये ज़रूर आपसे पूछेगा कि आपको लैपटॉप लेना क्यों है और आपको लैपटॉप यूज़ कैसे करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ लैपटॉप में आपको कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कितने जीबी की रैम चाहिए, कितने जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए, कौन सी डिस्प्ले, कैसी डिस्प्ले, कैसी उसकी बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं और आपको समझ नहीं आता लैपटॉप खरीदते वक्त। तो बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है फ्रेंड्स, ये वीडियो होने लगी है स्पेशली आपके लिए और इस वीडियो में मैं करूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कोई भी लैपटॉप खरीदते वक्त कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, तो इसके लिए हमारी वीडियो को पूरा देखना हो। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन टैक पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कभी भी लैपटॉप परचेज करते वक्त तीन बातों का ध्यान रखना होगा कि आपको परचेज क्यों करना है, किस लिए करना है और आपका बजट क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके बजट के हिसाब से ही आपके जो लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन और फीचर हैं वो डिपेंड किए जा सकते हैं और उसके साथ साथ कि आपका जो लैपटॉप के साथ वर्क है वो कैसा है। अगर आप उस पर हाई ग्राफिक्स गेमिंग कर रहे हैं, हाई ग्राफिक्स उस पर एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ भी बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसको आपको उसके हिसाब से प्रोसेसर भी बढ़ाए जाइए। बट आप दूसरी तरफ हम देखें, आपको सिंपल यूज़ नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए, गाने वगैरह सुनने हैं, म्यूज़िक वगैरह सुनना है, एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी ऐप चलाना है, व्हाट्सएप फेसबुक जैसे ऐसे कोई भी छोटे मोटे काम के लिए चाहिए, तो उसके साथ आपको प्रोसेसर भी छोटा ही यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस बजट में और किस तरह का आपको लैपटॉप लेना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इंटेल की ओर से हमें यहाँ पर तीन प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, पहला है i3, दूसरा है i5 और तीसरा है i7। बताता हूँ इन प्रोसेसर के बड़े बड़े डिफरेंस के बारे में जो इनको एक दूसरे से अलग बनाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं i3 प्रोसेसर की। इसमें लगे होते हैं आमतौर पर 2 कोर। वो कोर काम क्या करते हैं फ्रेंड, जब भी आप अपने लैपटॉप से कोई भी काम करवाते हैं तो वो 2 कोर उस काम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और आपका काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें i5 और i7 की, उसमें लगे होते हैं 4 to 8 कोर, जिसकी मदद से जो आपकी काम करने की लैपटॉप की क्षमता होती है, स्पीड होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है और जल्दी से काम भी हो जाता है। अगर हम बात करें जनरेशन की, तो कई बार आपने सुना होगा लोग कहते होंगे कि प्रोसेसर हमेशा जो न्यू जनरेशन लेटेस्ट जनरेशन है उसका ही लेना चाहिए। तो उसका फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि लेटेस्ट जनरेशन के जो प्रोसेसर होते हैं उनमें ट्रांजिस्टर्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिसकी मदद से वो हेल्प ये करते हैं फ्रेंड्स कि वो आपके लैपटॉप की बैटरी को बिल्कुल बचाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कंज्यूम करते हैं फ्रेंड्स और उसके साथ साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। तो आप जब भी प्रोसेसर लें लेटेस्ट जनरेशन का ही लें और साथ में अपने यूसेज के हिसाब से अपना प्रोसेसर जो है वो डिसाइड करें। तो फ्रेंड्स, प्रोसेसर के बाद जो मेन कंपोनेंट यहाँ पर निकल कर आता है उसका नाम है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एसएस मेमोरी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टोरेज यानी मेमोरी की। तो प्रोसेसर का काम होता है सिर्फ प्रोसेसिंग करना। अगर आप अपने लैपटॉप को कोई भी इनपुट दे रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो प्रोसेसिंग करने से पहले जो सारा डाटा है वो स्टोर किया जाता है आपकी मेमोरी में। अगर आप कोई ऐप को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, अगर विंडो ओपन कर रहे हैं, तो ये सारा जो डाटा है वो स्टोर किया जाता है आपकी मेमोरी यानी रैम में, जो रैम का कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करते हैं रैम की, तो रैम का और प्रोसेसर का जो बैलेंस है वो होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप एक i3 प्रोसेसर ले रहे हैं तो माना जाता है कि जो 4GB की रैम है वो सफिशियंट है और कम से कम आपको 4GB रैम i3 में और i5 और i7 में 8GB रैम लेनी ही चाहिए। उसके बाद अगर आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप 16GB 32GB तक ले सकते हैं आराम से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैम में भी जनरेशन आती हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट जनरेशन है वो है DDR4। तो जनरेशन पे फ्रेंड्स होता ये है कि जो रैम की इनपुट आउटपुट करने की स्पीड होती है, रीड राइट की स्पीड होती है, वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। जो यहाँ पर लेटेस्ट जनरेशन निकल कर आ रही है DDR4, उसमें ये जो स्पीड है काफ़ी अच्छी है और उसके साथ क्या हो गया, आपकी बैटरी भी जो है लैपटॉप की वो काफ़ी बचती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको रैम में अच्छी जनरेशन, न्यू जनरेशन, लेटेस्ट जनरेशन ही लेनी चाहिए।
फ्रेंड्स, यहाँ पर रैम के बाद जो आपको मेन कंपोनेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है वो है हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पर मार्केट में आपको दो तरह की हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाएंगी, एक है SSD और दूसरी है SSD। पहले मैं आपको SSD के बारे में बता दूँ तो ये एक चिप के जैसी होती है और इसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये आपको हर किसी लैपटॉप में बिल्कुल भी नहीं, ये आपको बड़े बड़े कंपनीज के बड़े बड़े जो महंगे महंगे लैपटॉप्स होते हैं जैसे मैकबुक, उनमें देखने को मिल जाती है। इस वजह से ही जो मैकबुक जैसे बड़े बड़े लैपटॉप्स हैं उनमें स्टोरेज काफ़ी कम होती है, बट उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी और बढ़िया होती है और वो जल्दी से काम भी कर पाते हैं। अगर हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ SSD में, तो उसके फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि काफ़ी देखने में तो थोड़ी सी बड़ी होती है बट उसकी जो कि काम करने की क्षमता SSD के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, बट हर दूसरे लैपटॉप में ही आपको वो देखने को मिल जाएगी क्योंकि हर कोई यूज़र वही आजकल यूज़ भी करता है और उसमें आपको मिनिमम टू मिनिमम 500 GB से लेकर 1 TB तक आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यदि आप एक लैपटॉप को परचेज़ करने जाएं फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि लैपटॉप की स्क्रीन और डिस्प्ले के हिसाब से भी जो आपका बजट है वो अप डाउन हो जाता है। अगर आप एक बढ़िया लैपटॉप लेना चाहते हैं बड़ी स्क्रीन के साथ, उसके रेजोल्यूशन ज़्यादा होने चाहिए, वो हाफ HD होना चाहिए, फुल HD होना चाहिए, ये तो आप पर डिपेंड करता है, बट उसके हिसाब से जो आपका बजट है वो भी ऊपर नीचे होता ही होता है। बट एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स, अगर आप एक फुल HD प्रॉपर HD अच्छे रेजोल्यूशन वाला लैपटॉप ले रहे हैं तो सेल्समैन से ये ज़रूर पूछिए कि उसके अंदर जो एक ग्राफिक कार्ड है वो है या नहीं है, क्योंकि उसके बिना तो फुल HD लेने का कोई मतलब ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड होता है, जो GPU होता है, वो भी CPU की तरह ही काम करता है। अगर उस लैपटॉप के अंदर एक GPU नहीं होगा तो वो जो आपके फुल HD की प्रोसेसिंग है वो करेगा CPU, और CPU के पास पहले से इतना काम है तो वो आपके जो फुल HD की रेजोल्यूशन की जो प्रोसेसिंग है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और वो आपको अच्छी तरह से जो आपकी HD स्क्रीन है वो नहीं दे पाएगा। कल को आप कोई भी मूवी देखेंगे, कोई गेम खेलेंगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए ये सब आपको अच्छी तरह से चलाने के लिए, डिस्प्ले को HD फुल HD करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। तो बिना ग्राफिक कार्ड के आपको HD बिल्कुल भी नहीं परचेज करना चाहिए। फ्रेंड्स, इतनी वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि किस काम के लिए आपको कौन से लैपटॉप की किन किन स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की ज़रूरत है और आपको एक कैसा लैपटॉप जो है वो परचेज़ करना चाहिए। बट अगर फ्रेंड्स मैं आपको पूछूं कि आपको कौन सी कंपनी का लेना चाहिए तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगी। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो सेल्समैन आपको अपने कमीशन के हिसाब से ही जो लैपटॉप है वो परचेज़ करने के लिए बार बार कहेंगे। बट आपको करना ये है कि फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक लैपटॉप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आपको डेल, HP और एसर, इन 3 कंपनियों को ही देनी चाहिए, क्योंकि लैपटॉप के मामले में इन 3 कंपनियों के मुकाबले मेरे हिसाब से तो आज तक कोई कंपनी नहीं है। बाकी आप अपने जो भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।